वेलकम बैक टू तुलसी रेडियो शो। होप आपको हमारे वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे होंगे, तभी आज हम आपके सामने अगेन यहाँ पे हैं एक नए टॉपिक के साथ। अक्सर हमें कंप्लेन आती है, हमारे से क्वेश्चंस किए जाते हैं कि हमारा रेजिन बेंडी क्यों क्योर हो रहा है, हमारा रेजिन स्टिकी क्यों रह जा रहा है, हम वर्क कर रहे हैं बट वो अच्छे से क्योर नहीं हो रहा है, कौन सा रेजिन किस वर्क के लिए यूज़ करना चाहिए और ऐसी कौन सी मिस्टेक आप लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका आउटकम परफेक्ट नहीं आ रहा है। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आज हम आपको देने वाले हैं हमारी इस वीडियो में। सो होप आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे और आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि वेदर के अकॉर्डिंग रीजन का क्या डिफरेंट अप्रोच रहता है और हमें उसको हैंडल करने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा रीज़न है, रीज़न का अनक्योर रहने का या स्टिकी क्योर होने का, सबसे पहले रीज़न है रीज़न मेजर बाय वेट और वॉल्यूम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो हमारा रीज़न है, चाहे वो 2:1 रीज़न हो, चाहे वो 3:1 रीज़न हो, जो भी रेशियो का रीज़न है उसको हमें उसके प्रिस्क्राइब्ड वेट और रेशियो में ही लेना है। अगर 2:1 है तो हमें उसको उसके रेशियो में लेना है, 20 ग्राम रीज़न, 10 ग्राम हार्डनर। किसी भी आर्टवर्क के लिए अगर आप मेजर कर रहे हो तो उसको आपको उसी रेशियो में यूज़ करना है। कभी अगर हम बाय चांस रेजिन का रेशियो और उसका प्रोपोर्शन डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर उसको हम 2:1 में नहीं ले रहे हैं, काफ़ी बार लोग होते हैं कि अगर हम हार्डनर ज़्यादा डालेंगे तो उन्हें लगता है कि हमारा रेजिन जल्दी ड्राई हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप हार्डनर की क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं इसका मतलब आपका रेजिन ड्राई ही नहीं होगा, वो बेंडी क्योर होगा। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो रेशियो है हम उसको एग्जैक्ट उसी रेशियो में यूज़ करें रेजिन को, जो रेशियो हमारे बॉटल पे स्पेसिफाइड है। अगर आप 2:1 रेजिन यूज़ कर रहे हैं तो हमें 2 parts रेजिन और 1 part हार्डनर लेना है, बट अगर आप अपना 3:1 रेजिन यूज़ कर रहे हैं तो आपको 3 parts रेजिन और 1 part हार्डनर लेना है। हमें उनकी रेशियो में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। हमें इन रेजिन के ग्राम्स को, इनकी मेजरमेंट हमें एक वेइंग स्केल में करनी है जो डिजिटल वेइंग स्केल है। अगर आप रेजिन से काम करते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अपने रेजिन आर्टवर्क के लिए एक वेइंग स्केल ले ही लीजिए जो डिजिटल हो, जिसमें आप उनके मेजरमेंट प्रॉपरली कर सकें, क्योंकि जो हमारे रेजिन हैं वो मेजर्ड बाय वेट हैं और नॉट बाय वॉल्यूम। जो आजकल मार्केट में कप्स आते हैं, मेजरमेंट के कप्स जिनमें मार्किंग्स होती हैं, अगर वो आप रेजिन को मिक्स करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो आप गलत कर रहे हैं। कृपया आप उन प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं कीजिए। आप उस ग्लास को मिक्स करने के लिए यूज़ कर सकते हैं बट उसमें आप हमारा मेजरमेंट नहीं कर सकते, मेजरमेंट के लिए आपको वेइंग स्केल की ही रिक्वायरमेंट रहे। दूसरा हमारा जो रीज़न का रीज़न है बेंडी या स्टिकी क्योर होने का, वो है उनकी मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होना। जब हम रेजिन और हार्डनर यूज़ करते हैं, ये केमिकल है, जब हम इन्हें मिक्स करते हैं तो वो आपस में एक रिएक्शन करते हैं, एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वो एकदम हार्ड और सॉलिड हो जाता है। सो फॉर दैट हमें उसकी मिक्सिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी, और मिक्सिंग प्रॉपर करने के लिए हम एक स्टिक का यूज़ करते हैं मिक्सिंग के लिए। और इट इज़ सजेस्टेबल कि हम जब रेजिन मेजर करें तो पहले उसमें हम हार्डनर डालें, ताकि हार्डनर की विस्कोसिटी थिन होती है और मिक्सिंग में हेल्प करता है। हार्डनर के बाद हम उसमें रेजिन डालेंगे मेजर करने के लिए, जिस भी रेशियो में हमें रिक्वायर्ड है और जिस भी क्वांटिटी में हमें रिक्वायर है। उसके बाद हम स्टिक लेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, चाहे उसके नीचे से हम उसकी बॉटम को स्क्रैच करेंगे, इवन द साइड जो उसके कप के साइड होते हैं उसको भी विल स्क्रैच इट प्रॉपरली, और हम उसको 2 से 3 मिनट तक स्टिर करेंगे जब तक वो रेजिन अच्छे से मिक्स नहीं हो जाए। आपको आपके रेजिन देख के ही पता चलेगा अगर वो पूरा क्लियर है और उसमें बिल्कुल भी स्ट्रैंड्स और लाइंस नहीं दिख रहे हैं प्रॉपरली मिक्सिंग रेजिन के, तो मतलब वो बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। अगर आप उसमें स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं, थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि इसमें रेजिन हार्डनेस नॉट प्रॉपरली मिक्स, तो आपको उसको बहुत ही अच्छे से और 2 से 3 मिनट तक के लिए मिक्स कर देना है। तो ये मिक्सिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हमारा रेजिन अच्छे से मिक्स नहीं होता, दैट मीन्स वो हमारा स्टिकी क्योर होगा, वो अच्छे से क्योर नहीं होगा, उसमें पार्टिकल्स हैं जो रेजिन और हार्डनर अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है। तो इस बात का आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि आपका रेजिन अच्छे से मिक्स हो। एक और जो रेजिन का रीज़न है बेंडी क्योर होने का, इसका मतलब है कि आप कभी उसमें कहीं गलत रेजिन तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप रेजिन लें, कहीं से भी लें, तो मेक श्योर कि जो रेजिन आप लें उसके ऊपर लेबल हो, वो आर्ट रेजिन हो,
और वो आप अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बार मार्केट में ऐसे रेजिन अवेलेबल होते हैं जो सिर्फ कोटिंग पर्पज़ के लिए होते हैं और उनको आप सिलिकॉन मोल्ड्स में यूज़ नहीं कर सकते, उनको आप ऐसे कोस्टर्स नहीं बना सकते क्योंकि वो सिर्फ कोटिंग सिर्फ बेस के लिए यूज़ होते हैं। और ऐसे रेजिन जब आप अपने सिलिकॉन मोल्ड्स में डालते हैं तो वो हमारा जो आपका आउटकम है वो सॉलिड नहीं होता, वो ऐसे बेंडी क्योर होता है जिसको आप मोड़ सकते हैं। तो ऐसे चीज़ें अवॉइड करने के लिए आपको मेक श्योर करना है कि जो भी आप रेजिन यूज़ कर रहे हैं, मेक श्योर जब हम कास्टिंग कर रहे हैं तो कम से कम उस रेजिन पे लिखा हो कि ये कास्टिंग के लिए सूटेबल है। अगर आप कोटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि उसके ऊपर लिखा हो ये कोटिंग के लिए सूटेबल है। हमारे जो भी रेजिन है इपॉक्सी रेजिन या आर्ट इपॉक्सी रेजिन, इनको आप बेस के ऊपर या सिलिकॉन मोल्ड्स के अंदर दोनों में यूज़ कर सकते हैं। दोनों का डिफरेंशिएशन है बिकॉज हमारा आर्ट इपॉक्सी रेजिन थिन है, यूपॉक्स रेजिन थोड़ा सा थिक है, बट ऐसा नहीं है कि ये जब आप मोल्ड में डालेंगे तो वो बेंडी क्योर होगा, ये आपको बिल्कुल सॉलिड ही इफेक्ट देने वाले हैं। और अब आता है हमारा मेन रीज़न, रीजन का बेंडी और स्टिकीनेस। मेनली स्टिकीनेस के लिए जो रीजन की कंडीशन है ये होती है हमारे वेदर चेंज के अकॉर्डिंग। तो हम इंडिया में हैं और हमारे अलग अलग वेदर यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे रेनी सीज़न, विंटर सीज़न, समर सीज़न। तो समर का तो सबको पता है कि समर में हमारा रेजिन एकदम सॉलिड क्योर होता है, उसका क्योर टाइम भी बहुत जल्दी हो जाता है, वो बहुत जल्दी क्योर हो जाता है। बट व्हाट अबाउट रेनी सीज़न एंड विंटर सीज़न? रेनी सीज़न में हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तो जिस दिन अगर आपको लगे कि एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा वाटर है, रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हैवी रेनफॉल है, तो उस दिन आप रीजन को अवॉइड कर सकते हैं, उस दिन आप रीजन से काम नहीं करें। अगर आप रीजन से काम फिर भी करना है तो आप मेक श्योर करें कि जो आप एरिया में वर्क कर रहे हैं वो क्लोज हो और उसमें मॉइस्चर ज़्यादा नहीं हो, तो आप उससे उसमें काम कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब हमारे एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी होती है तो रीजन, जब अगर आपने रीजन कर दिया और वो रिएक्ट करेगा हमारे एनवायरनमेंट से, ह्यूमिडिटी से, और उसका जो अपर लेयर होगा वो स्टिकी क्योर होगा। तो इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल वाले दिन आप रीजन को करना अवॉइड कीजिए। दूसरा जो हमारा सीज़न आता है विंटर सीज़न, और विंटर सीज़न में भी ऐसा होता है क्योंकि टेम्परेचर हमारे एनवायरनमेंट का बहुत लो होता है, तो रीजन को क्योर होने में उसके रेगुलर टाइम से ज़्यादा टाइम लगता है। रेगुलरली अगर आपका रीजन 12 घंटे में क्योर हो रहा है तो विंटर सीज़न में मे बी उसको 15 से 16 घंटे लग सकते हैं क्योंकि हमारा टेम्परेचर लो है। इसलिए हम एडवाइस करते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा विंटर है, आपकी एरिया में विंटर सीज़न है, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है, तो हम एडवाइस करते हैं कि आप अपने रीजन करने से पहले आप अपने बॉटल्स को वार्म वाटर बाथ दें। वार्म वाटर बाथ मतलब कि आप एक कंटेनर में, एक पतीले में पानी गर्म कर लें, ल्यूक वार्म वाटर, और अपनी बॉटल्स को उसके अंदर रख दें थोड़ी देर के लिए, ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाए, लो टेम्परेचर नहीं रहे और मेंटेन हो जाए टेम्परेचर, और उसके बाद आप उसको रेगुलर वर्क करते हैं, वैसे वर्क कर सकते हैं आप रीजन और हार्डनर मिक्स करके अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ऐसे ही हमें ध्यान रखना है विंटर सीजन में हमारा रीजन स्टिकी नहीं हो, इसके लिए हम उसको एक वार्म वाटर बाथ दे सकते हैं। अपने दोनों बॉटल्स को हम रीजन वार्म वाटर में रख सकते हैं 15-20 मिनट के लिए, और उसके बाद हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमें हर सीज़न के अकॉर्डिंग अपने रीजन प्रोडक्ट का ध्यान रखना है, ताकि हम उसमें जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं स्टिकी रीजन के या बेंडी रीजन के, उनको अवॉइड कर सकें। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि और कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको रीजन करते वक्त अवॉइड करनी चाहिए, ताकि आपका रीजन का जो आउटकम आए वो परफेक्ट आए और आप उसको घर में यूज़ कर सकें। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो हम कप्स यूज़ करते हैं उसके अंदर ऑलरेडी पानी होता है या मॉइस्चर होता है, तो जो रीजन हमारा है वो मॉइस्चर फ्रेंडली नहीं है। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम जो भी कप्स या जो भी ग्लासेस या जो भी स्टिक्स कुछ भी यूज़ करें तो वो हमारे मॉइस्चर नहीं होंगे, वो कम्प्लीटली ड्राई हों यूज़ करने से पहले। और ऐसा भी काफ़ी बार होता है कि जो आउटकम हम बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, काफ़ी बार हम रीजन अपने अंदाजे से ले लेते हैं। काफ़ी बार जो ज्वेलरी मेकिंग या किचन्स में होता है, इसमें हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रीजन रिक्वायरमेंट होती है,
काफ़ी बार लोग उसको अंदाजे से रीजन ले लेते हैं, अंदाजे से हार्डनर ले लेते हैं अपने उसके अकॉर्डिंग, बट वो हमें नहीं करना है। हमें हमेशा हमारा रीजन रिंग स्केल में ही यूज़ करना है। आप अपने लिए एक अलग से रिंग स्केल ले सकते हैं, आप इसे अमेजोन लोकल स्टोर या हमारी वेबसाइट tulsireason.com से परचेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रीजन है वो हमें ऑलवेज मेजर्ड बाय वेट है और ना ही हमें उसको अंदाजे से नहीं लेना है। एक और एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगी कि आप हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, क्वालिटी रीजन यूज़ कीजिए। काफ़ी बार लोग होते हैं जो इंडस्ट्रियल रीजन यूज़ कर लेते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि उसका रेशियो क्या है, और हमारे पास फोटोज़ आती है, मैम ये विच रीजन इज दिस रेशियो, इसका रेशियो क्या है इस रीजन का, उनको पता ही नहीं होता। वो इंडस्ट्रियल रीजन होता है, इंडस्ट्रियल रीजन हमारे लिए हार्मफुल है, वो हमारे यूज़ के लिए नहीं है। इसलिए हमारे पास 8 रीजन है जो हम यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन को अवॉइड कीजिए और वैसे ही रीजन अपने बेस्ट आउटकम के लिए, बेस्ट क्वालिटी ऑफ रीजन यूज़ कीजिए। तो अभी हम मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें हमने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर किया है। अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस बना सकें और आपके लिए यहाँ पे लेके आ सकें। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। तो प्लीज़ अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए।